दीप्ति शर्मा ने चतुराई से इंग्लैंड के प्लेयर को किया आउट और उसके बाद इंग्लैंड तो किया पाकिस्तान के प्लेयर्स भी रो रो कर कर रहे हैं कि ये चीटिंग हो गई वो तो कह रहे आउट हाँ पर हम इस बात पर आज डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि ये जो मोहम्मद आसिफ हाँ मतलब मोहम्मद आसिफ स्टूअर्ट ब्रॉड मतलब ये सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने चीटिंग करी है कितना गलत किया है मिसाल अच्छी नहीं है स्पिरिट ऑफ गेम के लिए भाई एक तो आप स्पिरिट थोड़ी सी कंपेयर करो <laughs> हमारा कहना ये है और क्या है हमारा व्यू पॉइंट और क्या है आपका व्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं तो भाई एक अक्टूबर से अगर कोई बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलेगा और बॉलर ने उसे आउट कर दिया तो उसे रनआउट का जाएगा अक्टूबर से पहले उसे मांगकट कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इस पर इस टाइम पर विवाद इतना इसलिए बढ़ गया है कि दो मैचों में हमारी विमेन क्रिकेट टीम ने जो इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम को पेल दिया था उसके बाद तीसरे मैच में भी व्हाइट वॉश कर दिया लेकिन जो लास्ट डिसमिसल आया

स्पिरिट no, तो ऑफ रहे भी नहीं हो रहे आप यार वो तो सब तो, मैं हाँ। कह रहा हूं अगर तुमने गेम बनाई हाँ। तुम ही उसके रूल नहीं जानते हो तो इसमें हमारी क्या गलती है नहीं और 2019 का वर्ल्ड कप आप बड़ी मुश्किल से जीते हो इंग्लैंड वालों वो भी मतलब जो स्ट्रोक्स ने वो जो बल्ले से जो रन भागते हुए जो रन बनाया आपको पता है ऐसे मेरी गलती मेरे तो वैसे बल्ले से लगा मजा तब आया जब इस बात पर काफी सारे क्रिकेटर्स आपस में भिड़ने लगे तो तौर हाँ। तो पर अश्विन और खास तौर आकाश चोपड़ा ने तो ली मैं झंडे गाड़ दिए तो भाई उन लोगों का तो कहना है कि प्रॉपर डिसमिसल लिखा हुआ है तो आपके तो लॉज लग गए तो फिर इसमें क्या लेकिन मजेदार बात पाकिस्तान के लेजेंडरी फिगर 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 मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भाई ये कोई तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का यार इन्होंने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था विराट कोहली की सेंचुरी भी नहीं आएगी इकत्तर वाली जो थी वो भी आ गई ना उसके बाद से क्या क्या चवा रहे होंगे अपने शब्द कागज क्या चवा रहे होंगे बॉल भी चबाते हैं वैसे बीच बीच में वो तो अफरीदी भाई है हाँ वो वो अलग है वो अफरीदी भाई है हाँ। वो कभी कभी उनको लगता है बॉल नहीं है सेब है <laughs> तो पता नहीं शायद उनके महंगे चल रहे होंगे उनको लगा यही खा लेते हैं हाँ। लेकिन भैया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के ऊपर जो ये डिस्कशन हो रहा है उसमें हमारी ऑडियंस क्या कहती है ये आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है हम क्या कहते हैं ये बात बहुत क्लियर है कि भैया रूल्स में लिखा है वो जो आपकी जो इंग्लैंड की जो बैट्समैन थी वो बार 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 बाहर निकल रही थी इतना बार थी बार भाई साहब अगर कैमरा दोबारा से थर्ड अंपायर ने बोला दिखाओ तो से भैया कितनी बाहर होगी क्या बाहर होगी टाइम हाँ। पे हुआ सब नहीं हुआ <laughs> जिस टाइम पे बेल्स को उड़ाया गया था दीप्ति शर्मा के द्वारा शालीन फ्रेम में भी नहीं थी इतना दूर पहुंच चुकी थी वरुण रोवर साहब जो बड़े कमाल के हैं और बातों के ऊपर ज्यादा फेमस हो जाते हैं हाँ। हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कहते ये तो आधे लंडन से क्रॉस करके लुधियाना पहुंचने वाली थी इतना तो बाहर थी उसके बाद कह रहे कि रनआउट कैसे हुआ अब थोड़ी शर्म कर लो मतलब अगर बढ़िया वाला कैमरा नहीं होता ना तो हमें पता नहीं चलता कि बैट्समैन कहां पर थी वो कहां पर पहुंच गई थी आधे रास्ते में और उसके बाद स्टूअर्ट ब्रॉड माइकल वॉन मतलब ये इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी बेजती कराने के लिए ट्विटर पर आते हैं क्या आते हैं मुझे तो समझ नहीं नहीं ब्रॉड साहब तो देखो कभी -कभी के आगे भी आ जाते हैं <laughs> <बेज़धी नी। करने। laughs> तो दिमाग इतना ब्रॉड है इन्होंने एक बार ना एक स्पिनर पर एज करके फर्स्ट स्लिप पर कैच किया था इनका

वो चार लोग क्या कहेंगे हाँ तो वो चार लोग ये कहेंगे कि भाई ये ना गलत तरीके से आउट हुआ है लेकिन सच्चाई ये है कि ये लॉज बन चुके हैं इनफैक्ट फर्स्ट अक्टूबर से आईसीसी ने जो अपने लॉज में जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो मानकट के ऊपर ये जो शब्द शुरू किया था इस इस कई नहीं नहीं लोग नाम था उनका और कई लोग oh वो, वो, वो और टर्म oh है ये वीनू मांगट के नाम से शुरू हुई थी और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ना बड़ा एक वाला एंगल है क्योंकि ऐसा नहीं था कि वीनू मांकट ने शुरू किया था ये उससे पहले भी ऑलरेडी हो चुका था लेकिन हो अल्लाह बनाना था तो इंडियन प्लेयर के नाम पर ये नाम रख दिया अब उसका नाम है रन आउट भाई हाँ। जैसे कि आप अगर क्रीज से बाहर निकलते हो या क्रीज अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो रनआउट जैसा आपको खतरा उठाना पड़ता है वही खतरा यहां पर है वही नाम है अब और मतलब ये सारा का सारा का बॉलर के साथ क्यों हो रहा है क्रीज के एक मिलीमीटर आगे अगर बॉलर का पैर पड़ जाए तो भैया no बॉल, बॉल और no उसके ऊपर भी फ्री होगा फ्री उसमें भी आउट नहीं हो सकते उसमें भी अगर कैच ले लिया और उस बीच में बैट्समैन ने रन ले लिया तो वो रन भी काउंट होता है मतलब बदतमीजी की आप देख लो इस रूल मतलब इस गेम में कि बैट्समैन की तरफ कितना फेवर कर रहा है और यहाँ पर आप बैट्समैन बॉल आने से पहले 22 गज गज भाई 11 तो, तो पूरे कर लिए नहीं पहले ये 22 गज की पिच क्यों कह रहे हो इसको कह लो कि भैया बैट्समैन डिसाइड करेगा कितने गज की होनी चाहिए नहीं हमारा मन करेगा तो हम रन लेंगे जहां से वहां से लौट लेंगे वो ये बच्चन साहब की तो पिक्चर देख के नहीं चल रही थी हम जहां से भागेंगे लाइन वहीं से शुरू होती है कुछ वैसा और मतलब इतना मतलब इस चीज़ के ऊपर इतना हो हल्ला हो रहा है हम तो भैया अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हमारा मानना ये है कि भैया आपकी जो क्रीज है 22 गज का दायरा है आप उसको 22 गज के हिसाब से खेलो और मैं कपिल देव जी से भी एक बार बात कर रहा था उन्होंने साफ साफ कहा इसको शॉर्ट रन दे दो शॉर्ट रन में भी तो यही होता है ना कि आप 22 यार्ड्स आपने कंप्लीट नहीं किए तो आपको वो शॉर्ट रन होता है यहाँ पर भी शॉर्ट रन रन मारा आउट अगर होने का मौका है तो दे दो बात हो जाती तो है वहां पर ही इक्वल होंगी चीजें ऐसा हमारा मानना है लेकिन आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर आख्या आपको लगता है कि इसको मतलब इस तरीके से आउट नहीं होना चाहिए या आपको लगता है कि एक बैलेंस लाता है सो देट बैट्समैन भी अपनी गिरबान कहना चाह रहा था अपनी क्रीज में रहे अच्छा अच्छा क्रीज में रहे लेकिन वो लोग नहीं रहते हैं दिक्कत ये हो जाती है और आपके हिसाब से क्या इसे इसे आउट देना चाहिए क्या इसके अराउंड जो सोशल स्टिग्मा है हाँ। जो जो एकदम से बड़े बड़े नेशंस के जो क्रिकेटर्स होते हैं इंग्लैंड वाले इधर उधर वाले क्या वो लोग जो करते हैं क्या इसके हिसाब से अश्विन जो कह रहे थे जो निकल कर आते हैं उस टाइम पे नो 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 दिस इज नॉट द राइट वे टू प्ले क्रिकेट यार क्या इंग्लैंड जा रहे हो क्या नहीं नहीं इस तरीके के भी लोग निकल कर आते हैं इंडिया में भी लोग निकल कर आते हैं यार इस तरीके से नहीं मोहम्मद कैफ साहब निकल के आए क्या कहा है उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा है कि भाई देखो थोड़ा अनफेयर अनफेयर सा लग रहा है ओ... थोड़ा सा ऐसा सा लग रहा था पर देखो जी हमें तो बिल्कुल फेयर लगता है आपको क्या कहना है आपको क्या लगता है कि क्या ये फेयर है अनफेयर है कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए बाकी इसी तरीके के सारे टॉपिक सारे डिस्कशंस हम लेकर आते रहेंगे कहां यहीं पे अनकट पे अब पहले जो हम इंस्टाग्राम पे थे और यूट्यूब पे थे और फेसबुक पे थे अब आप हमको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंगडन पर भी पर भी हैं। अरे भाई भाई, भाई साहब फुर्ती देखिए आप हमारी सब जगह पहुंच रहे हैं तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिए देखते रहिए अनकट